अपनी काले का थोड़ा सा गंदा हो रहा है तो इसको इसी के अंदर छोड़ते हैं। सादा छोड़, फराज भी देखने के लिए बैठा हुआ है और अब सादा तो उसको निकाल ला। वो देखें वो रहा अंदर पीछे कोई लड़का रहता है गली में, उसने लाके दिया, वो बेच रहा था 1000 रुपए का। आधा घंटा हो गया बैठे हुए इसका इंतजार करते हुए, अब इसने पाँव वगैरह निकाले चलना शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों आज हमारे सेटअप पे आई हुई एक अलग सी चीज़, मैं खुद देख के हैरान था। तो कहाँ से आए और कैसे आए उसका भी बताते। फराज भी देखने के लिए बैठा हुआ है और अब सादा दोस्त को निकाल ला। वो देखें वो रहा अंदर। तो दोस्तों ये देखें इतना बड़ा कछुआ और नेकर। अबे पागल, ये खुरा में उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों थोड़ा सा गंदा हो रहा है तो इसको इसी के अंदर छोड़ते हैं। सर छोड़, ये वो नहीं गंदगी वाला है मेरे ख्याल में, और ये भी काफी नीचे से इस तरह का है कुछ, मतलब मुंह उसका एक लिमिट में बाहर आता ना। सबसे लंबी गर्दन इसके इसमें की होती है। वो सांस रुक गया उसका। नहीं नहीं अभी देखना प्रेशर से सांस लेगा। ये देखो ये जगह में अट गई ना मट्टी सारी। ये पानी में सांस ले लेता है। हाँ पानी पी रहा है, खा रहा है, अभी कीड़ा खा रहा है। दोस्तों वो कैसे पे अभी मतलब साथ वो बैठ के अपने बता रहे, और ये आया है पीछे कोई लड़का रहता है गली में, उसने लाके दिया, वो बेच रहा था 1000 रुपये का। मैंने इसको उठा वापस लिया क्योंकि हमें चाहिए नहीं था, हमें चाहिए थे छोटे फैंसी वाले, लेकिन ये कि अभी तक यहीं पे रखा, पता नहीं कब तक वो लेके जाएगा। मुझे तो देख के थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है सादा तो फरार, अभी उसको करीब से देख रहे हैं। वो पानी में है और पानी में थोड़ा बहुत सांस वगैरह बाहर फेंक रहा है अंदर से। तो देखें यहाँ से ये मट्टी हटी हुई, ये इसके सांस जो ले रहा है पानी के अंदर जाके उससे हटी है। इनको मुझे अभी भी देख के गुस्सा आ रहा था क्योंकि इन्होंने एक लवबर्ड का बच्चा मार दिया मेरा, बहुत बहुत ही प्यारा था। और बाकी ये दो बच्चे थे सादत ने पहले ही बोला था कि उनको घर पे ले आएंगे ताकि उनकी घर पर अच्छे से देखभाल हो सके, घर वाले भी देखते रहेंगे। असल में हम लोग थोड़ा सा बिजी हो जाते हैं, जैसे मैं जॉब पर होता हूँ सादत अपने वीडियो वगैरह एडिट कर रहा होता है, फिर दूसरा दिन भर उनको दाना पानी देखना सुबह से शाम तक के, ये सब बहुत ज़्यादा मसूलियात होती है। तो जी हाँ लवबर्ड के बच्चे थे, ये केज भी खाली हो गया है, वो छोटा वाला केज हमारे पास था, उसको डाल के घर पर ले गए, वो घर पर अब ये घर वाले उनका ध्यान भी रख रहे हैं और बच्चे माशाल्लाह से काफ़ी बेहतर है पहले से, सही हो जाएंगे तो फिर मैं आपको लाजमी उसको दिखाऊंगा। और इसको बाहर निकाल लिया, पानी हटा दिया, लेकिन ये बाहर नहीं आ रहा अभी बिल्कुल भी। इसके चलते हुए की वीडियो बनाई थी सर? हाँ नहीं हाँ। चलते वक्त की शॉर्ट है, वीडियो नहीं है। अच्छा वो शॉर्ट अपलोड कर दिया। तो ये चल रहा था दिन में, शायद सादत बता रहा इसने वीडियो उसकी बनाई थी छोटी सी, तो शॉर्ट वीडियो अपलोड करेगा ही। और बाकी अभी देखें डर भी रहा है बहुत ज़्यादा, बाहर नहीं आ रहा बिल्कुल, हम लोग काफ़ी देर से इंतजार करेंगे बाहर आ जाए। क्या कह रहा है? हाँ ये बात भी सही बोल रहा है कि हम लोग दूर होंगे तो चलेगा, क्योंकि हम तीन ही इसके करीब बैठे हुए थे और वो लोग दूर बैठे हुए हैं, तो अब देखते हैं दूर हो गए चलता है नहीं चलता। तो ये काफ़ी देर तक किया बैठने के बाद, बस इसने अपना थोड़ा सा मुँह बाहर निकाला, ये देखें। और बिलाल भी बेचारा बैठा बैठा बोल रहा है बहुत सुस्त जानवर है, हम लोग सुस्त हो गए हैं बैठे बैठे, तो काफ़ी देर से मोबाइल लेके बैठा हुआ कि क्या पता चलना स्टार्ट हो, लेकिन ये चल ही नहीं ना अभी तक के वैसे ही पड़ा हुआ। तो इतनी देर मेहनत के बाद हम थोड़ा सा कामयाब हो गए इसकी वीडियो बनाने में, देखें अब इसने पाँव वगैरह निकाला चलना शुरू किया। ये आगे आने के बजाय पीछे मुड़ गया, अभी सोफे के नीचे जाएगा वहीं बैठ जाएगा। छोटे बच्चों के पाँव कब कबाड़े होते हैं बिलाल, मजा आ रहा देखने में, पंजा लग रहा है मेरे को, तो ये पानी में है बिलाल, नाखून है इसके, खुशी हुई तो उसके नाखून तो उसके भी होते होंगे, पर बना बिलाल का बहुत दिल कर रहा था इसको चलते हुए देखने का, तो अभी बिलाल ने देख भी लिया, ये इतना सा चलने में थक गया शायद। तो आज मैंने अपने मोर को डाले थे चावल, मोर माशाल्लाह से काफ़ी बेहतर है, इनको नज़ला हो गया था, नज़ला भी इनका सही हो गया, और चावल तो इन्होंने अभी तक के मेरे ख्याल में खाए नहीं है। उबले हुए चावल जो होते हैं शौक से खाते हैं मैंने साथ सुना था, लेकिन अभी तक के इन्होंने खाए नहीं, शायद ऐसे कैसे ही रखे हैं, क्या पता थोड़ी देर में खा लें। दाना वगैरह इन्होंने खाया है माशाल्लाह से भी,
पानी ही पी रहे थे, मैं खड़ा हुआ देख रहा था। तो अब माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव है हमारे मोर। तकरीबन यहाँ इतना टाइम अच्छा खासा गुजर चुका है, मैंने वैसे टाइम देखा नहीं था, लेकिन ये अच्छा खासा टाइम गुजर गया। और ये वहीं का वहीं अभी, और ये लोग बात कर रहे थे समंदर ही है, तो समंदर से अगर ये आया होगा तो इस पानी में यकीनन जितनी स्पीड से इतनी सी दूर गया एक फीट, तो हज़ारों साल तो लगे गए होंगे अगर समंदर से आया, क्योंकि हमारा घर समंदर से अच्छी खासी दूर है। और ये देखें अभी तक के बेचारा बस यहाँ से यहाँ तक के चला है 2-3 घंटे में, और ये फिर ऐसा पड़ गया ऐसे बेचारा, कोई बहुत लंबा सफ़र करके आ रहा हो, और जो गर्दन और पाँव वगैरह है वो सब इसने दोबारा अंदर कर लिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई। क्योंकि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बर्ड शौकीन को सब्सक्राइब करना ना भूले। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।